नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक अपना कक्षा 12 का रियोप्टिक सेलरियम डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि आंख से संबंधित कौन कौन सी डिजीज है, जिसमें एक हमने बात कर ली थी और वो की थी दूरदृष्टि दोष। उसको अगर आपने ढंग से समझ लिया, सही तरीके से देख लिया है, तो फिर इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उसके अपोजिट है। दूरदृष्टि दोष में हमने क्या पढ़ा था कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नजदीक की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम आती है, ऐसी आंख दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख कहलाती है। अब निकट दृष्टि दोष में उल्टा हो जाएगा इसका, इसलिए बाकी सारी बात भी उल्टी होगी। तो उसका अगर पता है कि उसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो इसमें रेटिना के पहले बनेगा। उसमें हमने क्या करना था, संकुचित करना था, रेज को पास करना था, अभिसारी लेंस का प्रयोग किया। इसमें रेंज को फैलाना है, इसलिए अपसारी लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो बाकी सारी बातें उसी तरह से हैं, तीनों बातें लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, इस आंख में, इस आंख को, इस प्रकार की आंख को क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनता है। ये तो है डिजीज। प्रॉब्लम क्या है इसमें, कारण क्या है? तो कारण क्या है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, इसलिए रेटिना पे स्पष्ट नहीं बनता है, पहले बन जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो गोलक का आकार है उस आकार में वृद्धि हो जाती है, तभी ऐसी स्थिति आती है, आकार में वृद्धि हो जाती है। तो कारण और निवारण दोनों ही बात कर लेते हैं। तो वस्तु के लिए प्रकाश जो कहां से आना चाहिए, अनंत से आना चाहिए। अनंत से आ रहा हो प्रकाश, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो सही स्पष्ट प्राप्त होना चाहिए। इसका अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें, अनंत से आ रही, लेकिन यहां पर क्या होगी, इस तरह से ये बने, प्रतिबिंब बढ़ गया यहां। ये कौन सा पॉइंट जो है वो कहां आया, रेटिना से पहले। इसका मतलब इसके लिए जो इसका दूर बिंदु है वो अनंत पर नहीं है। इसका मतलब इसका दूर बिंदु अनंत पर नहीं है। ऐसी आंख में क्या होगा, दूर बिंदु अनंत पर नहीं है, बल्कि अनंत से पहले है, पहले 80 सेंटीमीटर पे दे दिया, 70 ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में, हम करेंगे बाद में। अनंत पर नहीं है बल्कि अनंत से पहले है, इसलिए प्रतिबिंब कहां बनता है, इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो दोषपूर्ण आंख में प्रॉब्लम क्या है, ये है दोषपूर्ण आंख। दोषपूर्ण आंख के में ये वक्त प्रकाश की नारी तो अनंत से है, लेकिन उसको क्या लगता है, उसके लिए लगता है कि ये प्रकाश की अनंत से ना आकर यहां से आ रही है। उसको क्या लगता है, प्रकाश की अनंत से ना आकर कहां लग रही आ रही है, यहां से आ रही है। तो ये डिफेक्टिव आई है, ये दोषपूर्ण आंख ये है, ये स्थिति है। सामान्य आंख के लिए तो अनंत से आनी चाहिए थी, ठीक है, आ रही अनंत से, लेकिन बन रहा है प्रतिबिंब कहां, रेटिना से पहले। तो इसके लिए क्या हो है, इसके लिए क्या है, आ तो रही है अनंत से, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए अगर इतनी दूरी से आएगी तो सही बढ़ेगा, वरना सही नहीं बढ़ेगा, यानी इसका प्रतिबिंब अब सही बढ़ेगा, इसका प्रतिबिंब इस आंख में अब सही बढ़ेगा, अब सही दिखेगा इस आंख को। लेकिन वास्तव में तो क्या है, ये दूरी कहां है, ये दूरी तो अनंत है, और वास्तव में तो इसमें ये स्थिति होगी, फिर प्रकाश किरण तो कहां से आएगी, अनंत से आएगी, वो तो दूर दूर जो कितनी दूरी पर है, अनंत पर है, इसलिए आएगी तो अनंत से आएगी तो ये स्थिति रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या, कब सही बढ़ेगा, जब यहां से आएगी तब सही बढ़ेगा, इसलिए इसको ये महसूस हो कि यहां से आ रही है,
उसके लिए क्या करें, उसका इलाज कर दें, उसको दे दें चश्मा, ठीक है, इसका निवारण कर दें। निवारण के लिए क्या किया जाए कि इसको जो पहले बन रही है ये थोड़ी सी और आगे बढ़े, तो ये फैल जाए तो थोड़ी सी जो यहां मिल रही थी तो पहले फैल जाएगी, तो थोड़ी सी आगे जाके मिलेगी। और फैलने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, अपसार लेंस, उसको कहते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस का यूज इसके अंदर कर लेंगे। तो यहां इसमें क्या किया जा रहा है कि ये हो गया इसका निवारण, यहां लगा दिया एक लेंस। प्रकाश की आ रही है कहां से, आत्मानंद से ही रही है, आत्मानंद से ही रही है, लेकिन ये इसको क्या करेगा थोड़ा सा फैला देगा, फैला देगा, तो इसको क्या लगेगा कि कहां से आ रही है ये, इसी इस निश्चित बिंदु से आ रही है। तो इस आंख के लिए तो क्या हो गया, ये हो गया निश्चित बिंदु, और फिर यहां प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा है, ये हो गया निवारण। निवारण के लिए क्या करना पड़ता है, उचित क्षमता के अवतल लेंस, ठीक है, या क्या कहते हैं इसको अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किसमें किया जाता है, इसको अपसारी लेंस का उचित क्षमता का जितनी जरूरत है, जितनी प्रॉब्लम है उसके हिसाब की क्षमता का इसको चश्मा बना के दे दिया जाता है। ये होता है कौन सी डिजीज का इलाज, निकट दृष्टि दोष का, शॉर्ट साइटनेस इसे कहते हैं, नियर साइटनेस भी कहते हैं इसको, इसका इलाज। तो अपने को जब ये पूछा जाए डिटेल से तो ये बात बतानी है इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका इलाज क्या है, ठीक है, होती क्या है, क्यों होती है, गोलक का आकार बड़ा हो जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, गोलक का आकार छोटा हो जाए तो नाभ्यंतर छोटा हो जाता है, उसका फोकल लेंथ कम हो जाती है, त्रिज्या कम हो जाती है, इसमें उल्टा है, बड़ा हो जाए तो ये स्थिति होती है। तो इसको कर ले अच्छी तरह से, लिख भी लें और समझ भी लें, फिर नेक्स्ट दो डिजीज रह गई वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।